हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छे यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केम होना चो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केम ती अच्छंती की खबोर नमस्तु भ्यं देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ बुध का सिंह लग्न की कुंडली में क्या फल होता है। बुध की महादशा अंतरदशा जब सिंह लग्न वालों के जीवन में आती है तो उनको कैसा फल मिलता है, अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है, क्या होता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कुंडली में बुध 0 से 6 डिग्री पर में है तो 25% शक्ति से आपको अच्छा या बुरा फल देगा जो मैं बताऊंगा। अगर 6 से 12 डिग्री पर में है तो 50% शक्ति से आपको अच्छा या बुरा फल देगा। अगर 12 से 18 डिग्री पर में है तो ये 100% शक्ति से आपको अच्छा या बुरा फल देगा। 18 से 24 डिग्री पर में है तो भी 15 से 20% शक्ति से आपको अच्छा या बुरा फल देगा। 24 से 30 डिग्री पर में है तो 5 से 10% शक्ति से आपको अच्छा या बुरा फल देगा। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए किस भाव में बैठा हुआ बुध कैसा परिणाम देने वाला है। बुध इस कुंडली में देवी और सज्जनों द्वितीय और एकादश भाव का मालिक है, यानी कि बैंक बैलेंस, जमा पूंजी और आमदनी दोनों का मालिक बुध। अगर वो आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठता है, पहले घर में, तो ये क्या करेगा कि शारीरिक तौर पर में आपको मजबूत बनाएगा, ज्ञान में वृद्धि करेगा, रंग रूप काफ़ी अच्छा दिखेगा, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में मजबूती देगा आपको, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव आपका बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। सप्तम दृष्टि यहाँ से सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल करेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। देवी और सज्जनों, तो कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ ये बुध आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा। अगर कुंडली के दूसरे भाव में बुध बैठता है कन्या राशि में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कन्या राशि में बुध जो है सो उच्च का भी हो जाता है, तो दूसरे भाव में अगर बैठेगा तो ये धन धान्य संपत्ति खूब जमा करवाएगा, बैंक बैलेंस आपको पर्याप्त करवा देगा, परिवार के लोगों से भी आपको लाभ दिलवाएगा, परिवार के लोगों के साथ संबंध भी काफ़ी अच्छा मधुर बन जाएगा, आप ये अनुभव करेंगे कि आपकी बोली वाणी जो है वो बहुत ही मीठी हो जाएगी, सत्य बोलेंगे लेकिन इतना मीठे से बोलेंगे कि अगले आदमी को बुरा भी नहीं लगेगा, दान पुण्य भी करेंगे, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा, आँख से संबंधित परेशानी दूर होगी और इसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है जिसके कारण से जिंदगी के कुछ क्षण भी बढ़ जाएंगे, अचानक से धन लाभ का भी योग बन जाएगा, विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी आपका बन जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर कोई दुर्घटना भी होने वाला होगा तो वो भी टल जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर बवासीर, पाइल्स, पैखाने के रास्ते से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। कुंडली के अगर तीसरे भाव में बुध आता है तुला राशि में, तो ये क्या करेगा, तो ये करेगा कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाएगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि करेगा, धैर्य का मजबूत होना ये दर्शाएगा, गुप्त शत्रु का नाश करेगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को दूर करेगा। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का बड़ा सुंदर योग बनेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आचार्य, इन सब का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, हर मामले में ये जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा।
बुध अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा, इस समय में आपके सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब से संबंधित लाभ का योग बनेगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी दूर होगी और इसकी सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदे के योग बनेंगे, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आपके अधिकार में भी वृद्धि का योग बनेगा, हर मामले में बड़ा ही सुखद और सुंदर समय देगा। बुध अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर में हो तो संतान का भी आपको सुख मिलेगा, एक पुत्री प्राप्ति का भी योग बुध आपके लिए बनाएगा, विद्या और बुद्धि का भी बड़ा तीव्रता के साथ आप प्राप्ति करेंगे, यश में आपकी वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होंगे और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय में भी वृद्धि होगी, लाभ भी खूब मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, पुत्र वधु दामाद का सुख प्राप्त होगा, हर मामले में समय जो है सो बड़ा ही चमत्कारिक और अच्छा प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के अगर छठे भाव में बुध का प्रवेश होता है तो यहाँ पर ये आपको बुरा रिजल्ट देगा, यहाँ पर में आने से बुध का जब जब महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में आएंगे तो आप ये अनुभव करोगे कि शत्रु ज़्यादा परेशान कर रहा है, चिंतित ज़्यादा रहते हो, रोग ज़्यादा परेशान कर रहा है, कर्ज ज़्यादा परेशान कर रहा है, केस मुकदमा के भी कुछ योग बन रहे हैं, पेट से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर रही है, अपयश कलंक शोक और दुख भी आपके माथे पर लगाया जा रहा है और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा अधिक होने के योग बन रहे हैं, सैया सुख में कमी का योग, निंद में बाधा के योग, धन हानि के योग, अस्पताल के खर्चा एक्टिवेट होने के योग, आँख से संबंधित परेशानी का भी कुछ योग बन रहा है। आपके लिए कुंडली के सप्तम भाव में अगर, और किसी ने अगर कह दिया कि छठे भाव में यहाँ पर मैं परेशान कर रहा है बुध, तो पन्ना धारण कर लो, अच्छा हो जाएगा, बुध कमज़ोर है इसीलिए परेशान कर रहा है, बंटा धार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा आपका जीवन अगर पन्ना धारण करोगे कुंडली के छठे भाव में अगर बुध बैठा हुआ है तो। बुध अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध जीवन साथी का सुख दिलवाएगा, काम वासना की पूर्ति करवाएगा, वैवाहिक जीवन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्ति का योग बनाएगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको खूब लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में भी किया गया कार्य आपके लिए अच्छा फलित होगा। कुंडली के यहाँ से छठे भाव से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में अनुभव करेंगे कि खर्चा अधिक हो रहा है, धन हानि का योग बन रहा है, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो रहा है, आँख से संबंधित परेशानी आ रही है, विदेश से भी कुछ धन लाभ का योग बनेगा। बुध अगर आपके कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ बैठा हुआ है मीन राशि में तो ये क्या करेगा, तो ये आपके जीवन पर में संकट ला सकता है, आपको मृत्यु से सामना करवा सकता है अथवा मृत्युतुल्य कष्ट भी दे सकता है अथवा मौत भी दे सकता है, अचानक से धन हानि के योग भी बन सकते हैं, रैंडम लॉस के योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, विदेश यात्रा के योग, दुर्घटना के योग। आपके लिए बता दूँ कि पेट से संबंधित परेशानी के साथ साथ पैखाने के रास्ते से संबंधित भी परेशानी का योग और सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति के बर्बादी का योग, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ ज़्यादा बोलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग, और आपके लिए बता दूं कि आँख से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग आपके लिए बन सकता है। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में अगर बुध बैठा हुआ है
तो आपको भाग्य का सपोर्ट खूब मिलेगा, खूब धर्म कर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने में भी खूब मजा आएगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से भी लाभ के योग बनेंगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी कमाल करेंगे और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से भी आपको लाभ का योग बनेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, कुंडली के अगर गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित अगर परेशानी है तो उसमें राहत मिल सकती है आपको। कुंडली के अगर दशम भाव में बुध बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा, पिता से लाभ दिलवाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ दिलवाएगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे सुख में वृद्धि होगी, माता और माता के संपत्ति से संबंधित लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग भी आपको फायदा होगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। कुंडली के अगर एकादश भाव में बुध का प्रवेश है तो देखेंगे कि आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ ज़्यादा मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको प्राप्त होगा और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान में पुत्री प्राप्ति का योग बनेगा, संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में भी आप कमाल करेंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, ननिहाल से भी कुछ सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के अगर द्वादश भाव में यहाँ पर में अगर बुध का प्रवेश हुआ तो खर्चा ज़्यादा करवाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा, आँख से संबंधित परेशानी दे सकता है और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन परेशान करने का प्रयास कर सकता है, चिंता में वक्त ज़्यादा बीत सकता है, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, कर्ज में समय बीत सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बन सकता है, इसलिए सावधान। तो देवी और सज्जनों, ये थी बुध के विभिन्न भावों में फलादेश, किस भाव में रहेगा तो आपको जीवन में क्या क्या फल देगा। इसमें एक चीज़ और समझने वाली ये है कि रत्न बुध का कौन धारण करे और कौन ना करे। अगर बुध आपके कुंडली में अस्त का परा हुआ है तो 1 से लेकर 12 तक किसी भी भाव में कहीं भी ऊंच नीच कैसे भी बैठा हुआ है, आप अगर अस्त का है तो धारण कर सकते हो, लेकिन अगर अस्त का नहीं है तो 6, 8, 12 इन तीनों भाव में आपको भूल करके भी रत्न धारण नहीं करना है, पन्ना नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। 6, 8, 12 यानी कि इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इन तीनों भाव के अलावा बुध कहीं भी बैठा हुआ है और अगर वो 12 से 18 डिग्री के बीच में नहीं है तो आपको निश्चित तौर पे पन्ना धारण करना चाहिए। अगर आप पन्ना धारण कर लेते हैं समय रहते तो आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी और आपका लाभ भी आपको जो है सो खूब मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी बुध का फलादेश सिंह लग्न की कुंडली में, जो आप समझ गए होंगे। हो सकता है स्थिति परिस्थिति जन्म कुंडली में अलग अलग नियमों के तहत कुछ लोगों पर में ये फलादेश लागू नहीं भी हो सकती है, तो और सूक्ष्म फलादेश और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जानने के लिए आपको चाहिए कि व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर में आप मैसेज करें, कॉल करने की कोशिश ना करें क्योंकि कॉल रिसीव होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर में सही डायरेक्शन प्रदान किया जाएगा, जो फीस है वो जमा कर लेंगे, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी, वो भी कॉल करके मैं खुद बात करूंगा आपसे। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बोलिए राधे राधे।